तो गाइज अगर बात की जाए इस बार बीएड की जो प्रवेश परीक्षा हो रही है इसमें बहुत ही कम बच्चे बैठ रहे हैं, 2,21,000 लगभग बच्चे बैठ रहे हैं। इतने बच्चों ने पंजीकरण किया है, अब कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो चीज़ें बाद में निकल के आएंगी। बात की जाए अगर मेरठ के जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तो वहाँ पर टोटल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 20,000 बच्चे जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपकी जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तिथि गाइस 9 जून है, यानी 9 जून को आपका एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके बाद फिर बहुत जल्दी ही आपकी काउंसलिंग की डेट आनी शुरू हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग के बाद आपके एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को एडमिशन को लेके क्वेरीज आती हैं, अगर आपको एडमिशन को लेके कोई क्वेरीज है तो आप मुझे ज़रूर सेंड करना, उसके ऊपर हम वीडियोस फिर से आपको प्रॉपर लाके देंगे। फाइनली आज का जो वीडियो बस यही अपडेट है गाइस कि आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और इस बार बच्चों की संख्या घट रही है बीएड के पंजीकरण में भी, और कहीं ना कहीं कॉलेजों में सीटें भी बहुत खाली रहेंगी, तो कॉलेजों में सीटें भी रहेंगी, आराम से आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। कोशिश करो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गाइस आपका बहुत ही कम पैसे में आपका बीएड की डिग्री आप प्राप्त कर लेते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो बीएड से संबंधित जितने भी ऑथेंटिक नॉलेज होते हैं गाइस, जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़ होते हैं, हम आपको वही ला के देते हैं। यहाँ पर आप चैनल पर देखेंगे तो एक भी वीडियोज़ आपको बिना मतलब के नहीं मिलेंगे, सारे वीडियोज़ आपके बीएड के कोर्स को ही लेकर रहते हैं। बीएड कोर्स जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके ही रिगार्डिंग सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको टाइमली मिलते रहते हैं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े क्योंकि आगे हम और भी प्लानिंग करेंगे इस चैनल पे। बस आप अपनी संख्या बढ़ाएं, वीडियोस को शेयर करें सो दैट आपके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलता रहे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।